आज का जो क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे होगा। हम लोग देखे थे दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का दो टाइप होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो प्लेन सरफेस है, लिखेंगे डोज रिफ्लेक्शन, डोज रिफ्लेक्शन विच अकर फ्रॉम रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस। ऐसा रिफ्लेक्शन जो रेगुलर सरफेस से होता हो इसमें लिखेंगे रिफ्लेक्शन विच अकर फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। एरो देख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज इसका दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा आपका, प्लेन सरफेस से जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जो इरेगुलर सरफेस से होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सही, आपका प्लेन रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा प्लेन सरफेस, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड और एक इंसिडेंट, और यहाँ इरेगुलर सरफेस आया चला गया, ठीक है। तो जो प्लेन सरफेस होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो रेगुलर इरेगुलर सरफेस होगा रफली सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होगा। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे पैरेलल होगा इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल नहीं होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एनी प्रॉब्लम? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब जो लिखेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला हेडिंग लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है? लाई ऑन सेम प्लेन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल।
इंसिडेंट रे जो सोर्स ऑफ लाइट से आता हो, रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के बाइक करता हो, और नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, ये दोनों आपस में सॉरी सेम प्लेन दो। दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हम दैट इज लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं नॉर्मल, और इसको बोलते हैं पीक और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ। पहला लोग कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आई ऑन सेम प्लेन या सेम पॉइंट, मतलब आपतित किरण और अवतरित किरण और नॉर्मल जो होगा एक ही प्लेन में होगा। और दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री, 50 डिग्री तो 50 डिग्री। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, दो रेज विच कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, वैसा रेज ऑफ लाइट जो किसी सोर्स से आता हो इंसिडेंट बाउंसिंग बैक होता हो तो रिफ्लेक्टेड, और नॉर्मल होता है यह एक इमेजिनरी लाइन है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, जनरली इंसिडेंट क्या होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यह रिफ्लेक्टेड सरफेस पे ऐसा पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आकर मीट करता है। फिर से पता चलेंगे दो लॉ होता है, पहला कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। इंसिडेंट रे जो किसी सोर्स ऑफ लाइट से आता हो, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से आता हो, दूसरा जो बाउंसिंग वेव होता है रिफ्लेक्टेड होता है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। इंसिडेंट एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल होता है, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और पॉइंट पी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। ठीक है, अगला जो क्लास होगा हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बाय योर प्लेन होगा। थैंक यू।